सृष्टि के नियम से न सिर्फ इंसान बल्कि भगवान भी बंधे हैं और उन्हें भी इसका पालन करना होता है। इसलिए जब भगवान ने मनुष्य रूप में जन्म लिया तब उन्हें भी अपना शरीर त्यागना पड़ा। फिर सामान्य मनुष्य की बात ही क्या है। लेकिन मनुष्य के अनुरोध पर यमराज ने मृत्यु से पहले 4 संदेश देने का वचन दिया था, जिसका पालन आज भी यमराज करते हैं। इसके साथ ही मृत्यु बिल्कुल करीब आने पर कुछ एहसास भी दिलाते हैं कि अब वक्त पूरा हुआ, अब शरीर त्यागने का समय आ गया है। आइए जानें यह 4 संदेश और संकेत क्या है। सबसे पहले उन 4 संदेशों की बात करें जो यमराज सामान्य मृत्यु से पहले हर किसी को भेजते हैं। आपने देखा होगा कि जब उम्र बढ़ने लगती है तो सबसे पहले क्या होता है, व्यक्ति के बाल सफेद होने लगते हैं। दरअसल इसे पहला संदेश माना जाता है कि अब उम्र बढ़ रही है, मोह की दुनिया से बाहर निकलना शुरू करो। दूसरा संदेश, जब कुछ और उम्र बढ़ती है तब प्राप्त होता है। इस समय व्यक्ति के दांत गिरने लगते हैं। दांत का गिरना यह बताता है कि व्यक्ति का शरीर कह रहा है मुझे मुक्ति की जरूरत है, मेरा मोह अब मत करो। तीसरा संदेश होता है व्यक्ति की ज्ञानेंद्रिय कमजोर पड़ जाती है, व्यक्ति के सुनने और देखने की क्षमता कम हो जाती है। इस समय यमराज कहते हैं अब दुनिया की बातें सुनना छोड़कर आत्मचिंतन और मनन करो ताकि मुक्ति में परेशानी नहीं आए। चौथा संदेश, शरीर अपना बोझ उठाने में असमर्थ हो जाता है और उसे सहारे की जरूरत पड़ जाती है। यमराज समझाते हैं कि बाहरी सहारा लेने की बजाय अब ईश्वर का सहारा लो, वही तुम्हें कर्मों के फल से उत्तम लोक में स्थान दिला सकते हैं। जो मनुष्य यमराज के इन 4 संदेशों को नहीं समझता है वही व्यक्ति नरक में जाकर यमराज से दंड पाता है। कई बार अल्पायु में भी मृत्यु व्यक्ति के प्राण हर लेते हैं, लेकिन ऐसे में भी 10 संकेत मनुष्य को प्राप्त होते हैं जिन पर गौर किया जाए तो जान सकते हैं कि मृत्यु अब करीब है। पानी में, तेल में, दर्पण में अपनी छवि नहीं आए या उनकी परछाई विकृत दिखाई देने लगे तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के शरीर त्यागने का समय नजदीक आ चुका है। मृत्यु के नजदीक आने पर व्यक्ति की आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है और उसे अपने आसपास बैठे लोग भी नजर नहीं आते। जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं वह सारे कर्म व्यक्ति की आंखों के सामने से इस प्रकार गुजरते हैं जैसे किसी फिल्म को आप उल्टा देख रहे हो, यानी जीवन के अंतिम कर्म से लेकर जन्म तक की सभी घटनाएं आंखों के सामने तैरती चली जाती हैं। जिनके कर्म अच्छे होते हैं उन्हें अपने सामने एक दिव्य प्रकाश नजर आता है और व्यक्ति मृत्यु के समय भी भयभीत नहीं होता। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब मृत्यु की घड़ी निकट आती है तो यम के 2 दूत बनने वाले प्राणी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जिनके कर्म अच्छे नहीं होते हैं उन्हें अपने सामने यम के भयंकर दूत खड़े दिखते हैं और वह भयभीत होता रहता है। शरीर त्याग करने के अंतिम समय में व्यक्ति की आवाज भी खत्म हो जाती है और वह बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता। आवाज घरघराने लगती है जैसे किसी ने गला दबा रखा हो। आत्मा जीवन की सभी घटनाओं को यानी कर्मों को अपने साथ लेकर शरीर को त्याग देती है और यमदूत व्यक्ति के अभौतिक शरीर को अपने साथ लेकर यमराज के दरबार की ओर ले जाते हैं। व्यक्ति के मृत्यु के बाद पापी मनुष्य को 2.5 मुहूर्त में यानी लगभग 24 घंटे में यमदूत वायु मार्ग से यमलोक ले जाते हैं। यहाँ यमराज व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। इसके बाद यमदूत वापस व्यक्ति की आत्मा को लेकर पृथ्वी पर आते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके बताएं और पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। आ रहा हूँ एक स्पेशल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।